बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मॉकअप मॉडल्स। सबसे पहले मॉकअप मॉडल की डेफिनेशन देखेंगे। मॉकअप मॉडल टिपिकली रेफर टू अ रिप्रेजेंटेशन और सिमुलेशन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट, एजुकेशनल टूल्स और सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। मॉकअप मॉडल असल में एक रिप्रेजेंटेशन है लर्निंग एनवायरनमेंट की, एजुकेशनल टूल्स की या किसी सिस्टम की, जो कि यूज होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मॉकअप मॉडल को यूज किया जाता है। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अगर इसको डेप्थ में देखा जाए तो वो ये है कि मॉकअप मॉडल एक ऐसा नमूना है जिसको सिर्फ इसलिए तैयार किया जाता है कि उस चीज की स्टडी की जाए, उस चीज को टेस्ट किया जाए या उसको डिस्प्ले किया जाए। किसी प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले उस प्रोडक्ट का एक मॉडल तैयार किया जाता है और उस मॉडल को देखकर उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस तरह के मॉडल को मॉकअप मॉडल कहा जाता है। मसलन इंडस्ट्रीज या फिर मुख्तलिफ कंपनीज जब कोई प्रोडक्ट तैयार करती हैं, तैयार करना चाहती हैं, तो तैयार करने से पहले उस प्रोडक्ट का एक मॉडल तैयार किया जाता है ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस मॉडल में क्या खूबियाँ हो सकती हैं, क्या खामियाँ हो सकती हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अगर डायरेक्ट से कोई प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाए तो उसमें जो खामियां होंगी, जो उसके डिसएडवांटेजेस होंगे, तो वो प्रोडक्ट तैयार करने के बाद पता लगेगा, तो इस तरह उस कंपनी का या फिर उस इंडस्ट्री का नुकसान होगा और उस नुकसान से बचने के लिए मॉकअप मॉडल तैयार किया जाता है और फीडबैक लिया जाता है कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन बातों का जब पहले पता चल जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें कॉस्ट कम आती है, उसमें नुकसान का अंदेशा कम होता है। इसलिए मॉकअप मॉडल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, इसकी बहुत वैल्यू है। इसी तरह जब कोई कंपनी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाती है तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले वो उस बिल्डिंग का एक मॉडल तैयार करती है। वो मॉडल फिजिकली उसकी कोई शक्ल भी हो सकती है या फिर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन यानी कंप्यूटर पर भी हो सकता है। ये आ गई मॉकअप मॉडल की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। आगे चलते हैं कि एजुकेशन में मॉकअप मॉडल का क्या रोल है, मॉकअप मॉडल को कैसे यूज़ किया जाता है। एजुकेशन में भी मॉकअप मॉडल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसकी चंद एक एप्लीकेशन का जिक्र करूंगा। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट्स। आपने देखा होगा कि साइंस की क्लासेस में बाज कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। बाद अवत हमने किसी चीज़ को देखा नहीं होता, फिर हम उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मसलन एटम के बारे में हमें नहीं पता होता, हमें न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें प्रोटॉन के बारे में पढ़ाया जाता है। हमने ये चीज़ें कभी नहीं देखी, ना ही हमने कभी इनको हाथ लगा कर देखा है, बल्कि हाँ ये हमारे लिए अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं और लैब में बाद अवत इनके मॉडल्स मौजूद होते हैं या बुक में तस्वीरें बता के स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और इस चीज़ को मॉकअप मॉडल इन एजुकेशन कहा जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि 2D 3D इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के मॉडल भी लैब में मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स को समझाने के लिए 2D 3D पिक्चर्स बताई जाती हैं, इस तरह के मॉडल्स बताए जाते हैं। फिर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि कंपाउंड के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वो स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं बनते, हालांकि उन चीज़ों को हम कभी देख ही नहीं पाते, वो चीज़ें हमारी नज़रों के सामने नहीं होती और उस तरह के मॉडल्स लैब में मौजूद होते हैं या फिर बुक में उस तरह की तस्वीरें होती हैं और इन चीज़ों को मॉकअप मॉडल इन एजुकेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स विद करिकुलम डिज़ाइन। जब करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो उसमें एक स्टेप करिकुलम डिज़ाइन भी होता है। वहाँ एकदम से करिकुलम का डिज़ाइन सेट नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्तलिफ तरह के मॉकअप मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं और उन मॉडल्स की मदद से करिकुलम डिज़ाइन सेट किया जाता है। इवेल्यूएट एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशन के पॉलिसी मेकर भी मॉकअप मॉडल को यूज़ कर सकते हैं कि नई पॉलिसी के क्या असरात होंगे, स्कूल सिस्टम में टाइम टेबल में तब्दीली के क्या असरात होंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए वो मॉकअप मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है ट्रेन एजुकेटर्स। मॉकअप मॉडल का एजुकेशन में ये बेहतरीन इस्तेमाल है कि टीचर्स की टीचिंग्स के लिए मॉकअप मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, मैनेजमेंट के लिए मॉकअप मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का टीचर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मॉकअप मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। जब इस तरह की चीज़ें हम इन चीज़ों में मॉकअप मॉडल को इस्तेमाल करेंगे तो वो एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।